से स्वास्तिक और ओम बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मैंने इस कलश पे चारों तरफ वही बनाया है। माँ दुर्गा का चिन्ह है श्री, तो हम श्री भी इसमें बना लेंगे। ज्वारे का पात्र रखने के लिए मैं इस तरीके का स्टैंड ले लूंगी। हर घर में ये आसानी से मिल जाता है और इसमें बहुत अच्छी तरीके से रखा जाता है। एक लोटे में गंगा जल मिश्रित जल ले लेंगे। ज्वारे उगाने के लिए हम मिट्टी ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम हमारे ज्वारे किस तरीके से बोते हैं। इस विधि से आप भी बोएंगे तो आपके ज्वारे बहुत हरे भरे उगेंगे। सबसे पहले हम एक कटोरी ले लेंगे जिसमें हम हमारे गेहूं को अच्छी तरीके से धो लेंगे। जब बाजार से हम गेहूं लेकर आते हैं तो उसमें बहुत सारे गंदगी होती है, तो इस तरीके से हम उसे अच्छे से साफ कर लेंगे। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो गेहूं भी साफ हो जाती है और दूसरा जो गेहूं अंदर से खोखले होते हैं वो पानी के ऊपर तैर जाते हैं, हम उसे भी निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। गेहूं अच्छी तरीके से साफ कर लेने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भीगा छोड़ दूंगी ताकि वो अच्छी तरीके से भीग जाए। गेहूं जब अच्छी तरीके से भीग जाए और तभी हम बोते हैं तो ज्वारे काफी अच्छे उगते हैं। जब तक गेहूं भीगने के लिए हम छोड़ देते हैं तब तक हम हमारे ज्वारे जिसमें बोने वाले हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। कभी भी सादे पात्र में हमें ज्वारे नहीं उगाना चाहिए, उसे हमें मोली से जरूर बांधना चाहिए। ज्वारे को हम देवी माँ का प्रतीक मानते हैं और मोली को हम वस्त्र का प्रतीक मानते हैं, तो हमें जरूर से मोली बांधना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बांध रही हूँ, आप भी उसी तरीके से बांध सकते हैं। ये देखिए हमने मोली बांधकर पात्र तैयार कर लिया है। अब हम सबसे पहले इनकी तिलक करेंगे। हम रोली ले लेंगे। सबसे पहले हम पात्र के मुख में चारों तरफ हम रोली लगा लेंगे के बाद हम पात्र के बीच में जहां हम ज्वारे बोने वाले हैं वहां पे सतिया बना लेंगे। कोई भी नया काम आरंभ करने से हम सतिया जरूर बनाते हैं, तो हम ज्वारे बोने से भी यही बना लेंगे ताकि मैया खुश हो जाए। हमें ये छोटी छोटी बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूं, आप भी उसी तरीके से कर सकते हैं। हमने ये सतिया बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे। मिट्टी को हमें पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, एक इंच से नीचे तक ही हम मिट्टी भरेंगे ताकि ज्वारे हम बो सके। आप देख सकते हैं मैंने ज्वारे बोने के लिए काफी जगह छोड़ा हुआ है और मैंने पूरी तरीके से नहीं भरा है। अब हमने जो हमारे गेहूं को भिगोने के लिए रखा था अब हम उसे लेकर इसमें बो देंगे। एकदम हल्के हाथ से हमें छिड़क छिड़क कर बोना है ताकि वो सब तरफ फैल जाए अच्छी तरीके से। अगर हम ज्वारे एक ही जगह पर बहुत सारे डाल देंगे तो वह अच्छे से नहीं उग पाएंगे, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। जैसे हमने हमारे गेहूं डाले थे ठीक उसी तरह एकदम हल्के हाथ से हम मिट्टी भी डालेंगे। कम मिट्टी डालेंगे और फैलाकर डालेंगे, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। अब हम इसमें जल डालेंगे। इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे ही लोटे के साथ जल ना डालें, आप अपने हाथ पर लेकर थोड़ा थोड़ा छिड़क कर ही इसमें जल डालें। हमें ध्यान देना है कि कोई भी दाना बाहर ना आए। अब यह तैयार है, अब हम इसे उसके स्टैंड पर बैठा देंगे। इसी तरह हमारे ज्वारे को हम अपने मंदिर पर स्थापित करेंगे, 9 दिनों तक इनकी पूजा होगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में जरूर बताइए। जय माता दी।